भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस समय आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछले 3 सालों से विराट कोहली के बल्ले से एक भी शतक नहीं आया है, लेकिन विराट कोहली ने अपनी फॉर्म और साथ ही टीम इंडिया के बारे में जो कुछ कहा है वो शायद आपके अंदर जोश भर देगा और आप भी विराट कोहली के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। विराट कोहली ने अपनी फॉर्म के बारे में तो बात की ही, साथ ही उन्होंने भारत के लिए वह क्या कुछ करना चाहते हैं इस बारे में भी बात की। आपको बता दें कि इस वक्त विराट कोहली अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। विराट कोहली ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर की सीरीज खेली थी, साथ ही उन्होंने एक टेस्ट मैच भी खेला था। विराट कोहली ने इंग्लैंड के दौरे पर 6 पारियों में केवल 20 रन का आंकड़ा एक बार ही छुआ था, लेकिन विराट कोहली ने इन सभी से परे जो बात भारत के लिए साथ ही अपने सपनों को लेकर कही है उस बात का समर्थन हर एक भारतीय करेगा। बहरहाल बता दें कि इस वक्त टीम इंडिया वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इस पूरे दौरे से विराट कोहली को आराम दे दिया गया है, क्योंकि सिलेक्टर चाहते हैं कि विराट कोहली आराम लेकर एक जबरदस्त तरीके से वापसी करें। साथ ही विराट कोहली इस वक्त छुट्टियां मना रही हैं। आपको बता दें कि अगले महीने टीम इंडिया जिम्बाब्वे के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। ऐसे में खबरें हैं कि विराट कोहली इस दौरे पर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे के बाद टीम इंडिया को एशिया कप खेलना है। साथ ही सिलेक्टर्स का कहना है कि एशिया कप से पहले विराट कोहली अपनी लय को वापस हासिल करें, इस वजह से उन्हें जिम्बाब्वे के दौरे पर भेजा जा सकता है। साथ ही विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा जिम्बाब्वे के दौरे पर हो सकते हैं, और ऐसे में अगर विराट कोहली जिम्बाब्वे के दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे तो वह सीधा एशिया कप में टीम इंडिया के लिए वापसी करेंगे। ऐसे में विराट कोहली के लिए एशिया कप बेहद खास होने वाला है। आपको बता दें कि एशिया कप 27 अगस्त से यूएई में खेला जाएगा। पहले इसे श्रीलंका में आयोजित कराना था, लेकिन श्रीलंका में बिगड़े हालात के चलते इसे यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि विराट कोहली ने अब एशिया कप से पहले एक बड़ी बात कह दी है, साथ ही उन्होंने अपने एम के बारे में भी बात कही है। विराट कोहली ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएं तो एशिया कप के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने एक कोट विराट कोहली का शेयर किया, साथ ही विराट कोहली की तस्वीर को शेयर करते हुए विराट कोहली के कोट में स्टार स्पोर्ट्स ने शेयर किया, जिसमें लिखा है कि मेरा अब एक ही एम है कि मैं भारत को एशिया कप साथ ही वर्ल्ड कप जिताने में मदद करूं, और मैं टीम इंडिया को एशिया कप और वर्ल्ड कप जिताने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि एशिया कप इस साल T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। T20 फॉर्मेट में विराट कोहली का बल्ला एशिया कप में काफी चला है। रिकॉर्ड्स को देखें तो वह एशिया कप के T20 फॉर्मेट में 5 मैचों की 4 पारियों में 150 के साथ 153 रन अब तक बना चुके हैं। इसके अलावा बात करें अगर T20 वर्ल्ड कप की, तो ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, और ऐसे में टीम इंडिया के लिए एशिया कप काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विराट कोहली अगर एशिया कप खेलते हैं तो वह अपनी लय को वहां से हासिल कर सकते हैं, साथ ही टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में एक मददगार खिलाड़ी के रूप में साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विराट कोहली लंबे समय से ICC रैंकिंग में बने हुए थे, लेकिन अब वह Top 3 बल्लेबाजों की रैंकिंग से बाहर हो गए हैं। बहरहाल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं विराट कोहली को लेकर, और साथ ही विराट कोहली ने जो कुछ भारत के लिए कहा आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।